टॉप 10 थिंग्स फाउंड इन अंडरवाटर। समुद्र जितने शांत नजर आते हैं वो उतने ही ज्यादा गहरे और रहस्यों से भरे हुए हैं। समुद्र को हम जितना एक्सप्लोर करते हैं उतना ही ज्यादा हैरान होते हैं, चाहे वो महान टाइटैनिक हो या फिर मारियाना ट्रेंच। ये तो मानना ही पड़ेगा कि समुद्र के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में पता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो सामने आ चुकी हैं और वो इतनी ज्यादा हैरान करने वाली हैं कि आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे समुद्र से निकली टॉप 10 अमेजिंग थिंग्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10. ब्रिटेन्स अटलांटिस डॉगरलैंड। अभी तक महान अटलांटिस शहर को ढूंढा नहीं जा सका है, लेकिन इस लिस्ट की शुरुआत करेंगे वैसे ही एक शहर से। इस लिस्ट में आपको कई शहरों से गुजरना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ सी के अंदर मिला ये शहर लगभग 8500 साल पहले नॉर्थ सी में डूबा था। ये स्कॉटलैंड से लेकर डेनमार्क तक फैला हुआ था और इसे यूरोप का दिल तक कहा जाता होगा, लेकिन जल्द ही ये सब खत्म हो गया और ये समुद्र की गोद में समा गया। ये अगर अभी इस समय रियल दुनिया में मौजूद होता तो एक ग्रेट ब्रिटेन का यूरोप से जोड़ रहा होता, जो कि यूरोप को और भी शक्तिशाली बनाता। अभी इस पर पूरी तरह से रिसर्च की जा रही है। 9. लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड। 1985 में पॉल हैपलर नाम का एक शख्स जब समुद्र की मैग्नोमीटर से मैपिंग कर रहा था, तब उसे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। वहां लाशों से भरा एक ट्रेन का इंजन था। उसे नाम दिया गया लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड। जब उन लोकोमोटिव पर रिसर्च की गई तब ये पता चला कि वे 1850 के दौरान के थे। जब उन पर और भी ज्यादा रिसर्च की गई तब ये निकलकर सामने आया कि बोस्टन से मिड अटलांटिक की तरफ ले जाया जा रहा था। दोस्तों, तभी कोई तूफान आया और वो लोकोमोटिव लोगों को अपने साथ ही लेकर समुद्र की गोद में समा गया। ये लोकोमोटिव केवल 15 टन का ही थे। ये हादसा काफी हद तक टाइटैनिक जैसा ही था। लोकोमोटिव काफी शानदार थे और अब उन्हें संभाल कर म्यूजियम में रख दिया गया है। 8. द ग्रेट ब्लू होल। द ग्रेट ब्लू होल अपनी तरह का पाए जाने वाला शायद एकमात्र ऐसा होल है। ये समुद्र को और भी ज्यादा संगीन बनाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये किस तरह से किसी ब्लैक होल की तरह ऊपर से नजर आता है। दोस्तों, ये ब्लू होल 1971 में ढूंढा गया था। ये एक नेचुरल सिंक होल है और अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े सिंक होल में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये आइस एज के दौरान एक गुफा के यहाँ पर होने के कारण बना था। ये लगभग 300 मीटर के एरिया में फैला है और लगभग 125 मीटर गहरा है। लोग दूर दूर से इसमें डाइविंग करने आते हैं। हालांकि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन विशेषज्ञ की मदद से इसे किया जा सकता है। 7. बिमिनी रोड बहामास। आप अटलांटिस के खोए हुए शहर की कहानी के बारे में तो जानते ही होंगे। दोस्तों, वह शहर तो अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन समुद्र के अंदर उसका रास्ता जरूर मिल गया है, ऐसा लोगों का मानना है। बिमिनी रोड बहामास के पास स्थित है। ये लोगों की नजरों का केंद्र बन चुका है। पानी के अंदर बना ये रोड काफी खूबसूरत है और लोग इसे देखने के लिए काफी दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग तो सीधा इसे अटलांटिस से जोड़ते हैं। हालांकि इस बारे में अब तक कुछ भी साबित नहीं किया जा सका है। ये पानी के अंदर बस 6 फीट गहरा है, इस कारण कोई भी इस तक आसानी से डाइव लगाकर पहुंच सकता है। 6. ट्रेजर ऑफ एमरल्ड्स। ये खजाना एक ट्रेजर हंटर के हाथ लगा था जिसका नाम जे था। फ्लोरिडा के तट पर मिले इस खजाने की कीमत लगभग $500 मिलियन के बराबर थी। जब जे मिस्कोविच ने इसे ढूंढा तब वह जानता था कि उसे एक जैकपॉट मिल गया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यहाँ के एक कानूनी लड़ाई अभी लड़नी बाकी है। उस खजाने में बहुत सारी ज्वेलरी थी जो कि बहुत ज्यादा कीमती थी। जे मिस्कोविच जिसने ये ढूंढा था वे मीडिया में छा गया और इसके बाद फेडरल सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। उन्होंने जे पर उसे ना बेचने का प्रतिबंध लगा दिया। जे कर्जे में डूबा हुआ था और वे ये प्रतिबंध सह नहीं पाया। उसने खुदकुशी कर ली। आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि इतना खूबसूरत खजाना वहां कैसे आया। 5. एन एलियन स्पेसक्राफ्ट। जून 2011 में स्वीडन की ट्रेजर हंटिंग टीम ने समुद्र के अंदर तलाश करते हुए जो देखा वह उनके लिए हैरान करने वाला था। वो उस समय बटलीक सागर में थे और उन्होंने वहां देखा कि एक 70 मीटर लंबी आकृति का कुछ समुद्र के अंदर है। उसका उन्होंने नाम रखा बाटलीक सी एनमोली। ये अंदर से इस तरह का था कि कोई भी उसके अंदर आसानी से बैठ सकता। इसके बारे में अब तक केवल थ्योरीज ही चल रही हैं कि ये आखिर क्या हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई एलियन शिप है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सुकेन शहर का हिस्सा रहा होगा। 4. एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। दोस्तों, ये तो मानना ही होगा कि जितने शहर अभी पृथ्वी पर मौजूद नहीं है उससे ज्यादा शहरों को समुद्र निकल चुका है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनका पता नहीं चल पाया है।
अलेक्जेंड्रिया के पौराणिक शहर भी उन्हीं शहरों में से एक हैं जिन्हें समुद्र निगल गया था, लेकिन 1998 में इसे फिर से ढूंढ लिया गया। ये शहर इजिप्ट का एक शहर था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1600 साल अपने भरे पूरे अस्तित्व में समुद्र में डूब गया था। जब इसे ढूंढा गया तब इसमें से एक रहस्यमय चीजें मिली जो कि उस वक्त के शानदार इतिहास को बताती थी। उस शहर में एक महल भी मौजूद था जो कि किसी रॉयल पैलेस जैसा था। उसके फ्लोर मार्बल के थे और उस महल में बहुत ही आकर्षक नक्काशी की गई थी। समुद्र के अंदर इतनी रहस्यमय शहर देखकर सभी सकते में आ गए थे। उस शहर में एक स्टैचू भी मौजूद था जो कि लगभग 2000 साल पुराना था। वैज्ञानिक अब तक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस प्रकार का शहर था और इसे किसने बसाया था। 3. सीक्रेट अंडरसी रिवर। रिसर्च करने वाले लोगों ने प्रकृति का एक ऐसा अनूठा रहस्य समुद्र के अंदर ढूंढ निकाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि समुद्र के अंदर भी कोई नदी बह सकती है? ये समुद्र में मिलने वाली सबसे आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक है। ये नदी पाई गई है ब्लैक सी के अंदर। ये नदी लगभग आधा मील चौड़ी है और लगभग 115 फीट गहरी है। ये समुद्र के अंदर से बहती है। ऐसा हो पाया क्योंकि समुद्र का और नदी का पानी अलग अलग तत्वों का है। समुद्र का पानी कम नमक वाला है, वहीं नदी का पानी जरूरत से ज्यादा नमक से भरा है। ऐसा होने के कारण ये नदी समुद्र के साथ नहीं मिल पाती और समुद्र के अंदर से बहते हुए दूसरी जगह पर जाकर मिलती है। ये अपने आप में ही एक अनूठा दृश्य है। 2. द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी। समुद्र में मिलने वाली हर चीज की तरह इस शहर ने भी हमें हमारे इतिहास के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कुछ ज्यादा ही। ये शहर खंबत की खाड़ी में मिला था। खंबत की खाड़ी के पास ये भारत के किनारे के कुछ ही दूरी पर स्थित था। पानी में मिला ये शहर हद से ज्यादा रहस्यमय था। इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा था जिसने दुनिया के इतिहास पर दोबारा से सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया। ये शहर लगभग 9500 साल पुराना था। ये तब बना था जब आइस एज लगभग खत्म ही हुआ था। इस शहर के अंदर पाए गए अवशेषों, बर्तनों और फर्नीचर को जांचने के बाद ये पता चल पाया। अब तक ये माना जाता है कि दुनिया में मौजूद सबसे पौराणिक शहर मेसोपोटामिया में बसाया गया था, लेकिन ये शहर जो खंबत की खाड़ी में मिला था ये उन शहरों से भी 5500 साल पुराना था, जो कि दुनिया के सबसे प्राचीन शहर माने जाते थे। वैज्ञानिकों ने और जांच की और ये पाया कि इस खोए प्राचीन शहर में रहने वाले लोग जरूर भारत और पाकिस्तान में 3000 BC हड़प्पा के दौरान बसी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पूर्वज थे। हालांकि अब तक एक रहस्य है और वैज्ञानिक अलग अलग मत के साथ इस बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। 1. एंशिएंट कंप्यूटर एंटीकिथेरा। अब हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है सबसे चौंकाने वाला पौराणिक कंप्यूटर एंटीकिथेरा। जब ये मिला तब वैज्ञानिक समझ ही नहीं पाए कि आखिर है क्या। उन्हें शुरुआती दौर में लगा कि ये किसी प्रकार का सिंहासन है। इसे साल 1900 में पाया गया था। इसकी जांच के शुरुआती दौर में इसे एक सिंहासन या फिर एक कुर्सी और मेज के नजरिए से देखा जा रहा था, लेकिन जब इसे अंदर से जांचा गया तब सभी हैरान रह गए। ये एक कंप्यूटर था, एक पौराणिक कंप्यूटर। ये काफी वजनदार था जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये संपूर्ण कंप्यूटर है, जबकि ऐसा नहीं था। ये एक बड़े से कंप्यूटर का एक छोटा सा भाग था। ये उस बड़े से कंप्यूटर के साथ मिलकर खुद को बनाने वालों के लिए ज्योतिष गणना करता था। इसका काम ये था कि अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं पर नजर रखे और कुछ भी हो तो ये सूचित करे। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये कंप्यूटर साल 2005 बिफोर क्राइस्ट के समय बना था। उस समय किसी भी ऐसे कंप्यूटर के बारे में सोचना ही काफी मुश्किल है। हालांकि ये हैरान करने के साथ साथ आकर्षक भी है। तो दोस्तों, ये थी समुद्र के अंदर से निकली हैरान करने वाली चीजें। आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय क्या लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।